हेलो एवरीवन, दिस साहब पाटिल और आज के सीरीज में बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में जिसमें अपन समझेंगे इफ एल्स और एल्स इफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ठीक, क्योंकि जब अपन कोडिंग करते हैं तो बहुत सारी ऐसी मल्टीपल कंडीशन अपन को एग्जीक्यूट करनी रहती है जिसमें अपन का इफ का एल्स का इफ एल्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ लोगों को परेशान भी करती है, यार ये क्या है, कैसे है, कैसे करना है इसको। तो उस चीज़ को आज अच्छे से बिल्कुल टॉपिक को बहुत क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा तब भी आपको ये स्टेटमेंट्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। और अपन जो ध्यान देंगे कि यार अपन इसको कोडिंग की तरह देखें, ठीक है, प्रैक्टिकली इसको ज़्यादा करें, थ्योरी उसके बाद आके समझेंगे तो अपन को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार अपन थ्योरी थोड़ा बहुत समझ लेंगे देन फिर प्रैक्टिकल करेंगे, वापस जाके थ्योरी समझेंगे तो थ्योरी बहुत क्लियर होगी। बस मैं चाहूँगा थोड़ा पेशेंस के साथ पूरी वीडियो में बने रहना क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेशेंस खो देते हैं कि यार भैया समझ नहीं आ रहा तो मल्टीपल वीडियोज़ पर जंप कर लेंगे, बट ऐसा नहीं करना। ठीक है, आप वीडियो में अगर लास्ट तक बने रहते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत से टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें सफ़र भी करते हैं, आपको मज़ा भी आएगा। अपन ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जो है कोड करके देखेंगे। बस आपसे प्रीरिक्विजिट आपका यही रहेगा कि आप अपना जो है कोडिंग मतलब लैपटॉप जो है आप लेके बैठे जब अपन कोडिंग करा रहे हों, ठीक है, तब आप साथ साथ में मेरे साथ कोड करते रहें जिससे आपको मज़ा भी आ रहा होगा, है ना, पढ़ने के साथ। तो चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे सीखते हैं आखिर ये इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट आखिर क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में भी आएगा तो अपन देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलते हैं। तो चलिए, आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल स्टेटमेंट। तो इंट्रोडक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट सबसे पहली डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अपन को आरजीपी एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाता है कि डिफाइन करिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती है, इसलिए मैंने आपको थ्योरी ला दी कि अगर एग्जाम में पूछे तो आप डायरेक्ट इसको डिफाइन कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आखिर कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। अपनी सर्टेन कंडीशन के हिसाब से जो उसका प्रोग्राम है, उसका जो फ्लो है, ठीक है, प्रोग्राम का, वो एडजस्ट होता जाए। अब वो कैसे होता है जब प्रैक्टिकली करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो तीन टाइप की जो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती है। सबसे पहली हो गई अपना इफ स्टेटमेंट, सेकंड हो गई एल्स स्टेटमेंट और थर्ड हो गई एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, दे अलाउ टू प्रोग्राम टू मेक डिसीजन। अपन कोई डिसीजन लेते ना कि यार मान लो कि अगर आज बारिश हो रही है, ठीक है, अगर बारिश हो रही है तो ये वाला प्रिंट करवा दो कि हाँ हो रही है, और अगर नहीं हो रही बारिश तो नीचे करवा दो कि ये नहीं हो रही है। तो इस तरह से जो कंडीशंस रहती है, डिसीजंस अपन को लेने रहते हैं, उसके लिए जो है ये स्टेटमेंट्स का यूज होता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट द बेस्ड ऑन द कंडीशन, इतनी चीज अपन क्लियर हुई। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती है ये अपन को क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि अपना जो थ्योरी एग्जाम है क्या पूछ लेता है क्या नहीं पूछेगा, क्योंकि कोडिंग का पेपर है तो उसका कोई आइडिया नहीं है। तो इससे अच्छा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए तो एग्जाम में आता है तो आप ये थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर इफ स्टेटमेंट क्या होती है। तो इफ स्टेटमेंट क्या होती है, द इफ स्टेटमेंट चेक्स अ कंडीशन एंड एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड कंडीशन इज ट्रू। एक कंडीशन अपन लोग इसको देते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड को एग्जीक्यूट करता है। सिंटैक्स की पहले अपन एग्जाम्पल एक देखते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा है, इंट, अपन ने एज नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें जो उसकी वैल्यू है असाइन किया अपन ने 18, और वैल्यू क्या है, नंबर है, तो इसको इंट वाले उसमें डाल दिया, इंट टाइप में। ठीक है, एंटर टाइप में डाल दिया क्योंकि वैल्यू जो है वो अपने नंबर्स में है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन ने प्रिंट कराया, इफ कंडीशन अपन ने लगा रहे हैं तो क्या होगा, इफ एज इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 18 और इज इक्वल टू 18 तो आपको क्या प्रिंट करना है, यू आर एलिजिबल टू वोट। ये रियल लाइफ कंडीशन है अपनी, कि इसमें क्या सिंपल कह रहा है कि अगर आपका आपकी एज 18 से कम नहीं 18 से ज़्यादा या 18 के बराबर है, 18 है 18 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल है वोट करने के लिए। ये कंडीशन बिल्कुल अपन बना सकते हैं। तो वही चीज़ लिखिए कि मेरी कंडीशन मान लो 18 है, ठीक है, मेरी एज जो है वो 18 है और मेरी जो कंडीशन कह रही है वो कह रही है कि आपकी एज जो है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए और 18 के बराबर होनी चाहिए, तब आप वोट करने के लिए एलिजिबल है। तो अगर अपनी एज कम होगी ना, या 16 या 17 होगी, तो ये जो स्टेटमेंट है नीचे यू आर एलिजिबल टू वोट, ये प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, इसको एक कोड करके देखेंगे तब अच्छे से क्लियर होगा। की पॉइंट्स इसके है, कंडीशन इट मस्ट बी ट्रू फॉर कोड इनसाइड इफ कोड ब्लॉक इज एग्जीक्यूट। ठीक है, अगर अपनी कंडीशन ट्रू है कि अपनी एज 18 या 18 से ज्यादा है तो अपना जो इफ ब्लॉक है वो वर्क करेगा और क्या करेगा, यू आर एलिजिबल टू वोट को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा और एग्जीक्यूट कर देगा। ब्लॉक क्या है, ओनली एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू। अपनी अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी ये एग्जीक्यूट होगा। अगर इसकी अपन ने एज अपने मान लो 15 या 16 कर दी तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, बाहर कुछ नहीं आ रहा होगा। यूजेस ऑफन यूज फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्रोग्राम। अगर डिसीजन मेकिंग अपन करनी है प्रोग्राम में, उसके लिए बेसिकली यूज होता है। इसको एक कोड पार्ट की तरफ अपन देख लेते हैं। ठीक है, कोड करके देख लेते हैं तो ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ी छेड़खानी भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अपन चलते हैं अपने कोडिंग पार्ट पे। सबसे पहले अपनी वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इतना
तो आपको पता होगा ना कि अपन को फोल्डर किस तरह से बनाना है, वो मैंने फर्स्ट क्लास से आपको बता दिया होगा। और अगर आप नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो मेरे को बनाने का भी कोई वो नहीं, क्योंकि अगर मैं आप नए बच्चे हैं ना जिसको ये चीज़ भी नहीं आती फोल्डर किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, तो बीच में जो अभी मैंने वेरिएबल सिखाया, डाटा टाइप सिखाया और अपना सी प्लस प्रोग्रामिंग का जो बेसिक लेक्चर था, अगर वो नहीं देखा तो ये पार्ट कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और मेरे में उसमें भी कोई वो नहीं है, ठीक है। आप पहले वो देख के आइए, देन फिर आप इस पर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। अपन बेसिक से ही कोड लिखेंगे। सबसे पहले अपन को क्या करना है, हैश इंक्लूड स्लैश आईओ स्ट्रीम, ठीक है, जिससे अपना इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम जो है वो कॉल हो जाए। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कि अपन अवॉइड कर पाएं बार बार ये चीज़ स्टैंडर्ड लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे, इंट में जहाँ से फंक्शन जो है कॉल होना एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद करली ब्रेसिस लगाएंगे, ठीक है। देन फिर अपना जो कोड है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट इंट एज इज इक्वल्स टू 18, इसमें अपन ने क्या किया है कि अपना एक इंट नाम का जो है, नहीं एज नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें 18 वैल्यू जो है वो असाइन की है। और अगर वैल्यू नंबर्स में है तो अपन ने क्या कर दिया, इंट यानी कि इंट वाले डाटा टाइप को कॉल किया है, ठीक है। इसके बाद ये लगा देंगे कॉमास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आएंगे, इफ कंडीशन अपन यूज करेंगे, इफ, ठीक है, एंगल कॉमा एंगल वाला लगा देंगे, एंगल ब्रेसिस। उसके बाद इफ एज इज इक्वल, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपन कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, दो मिनट, ठीक है, यहाँ कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद अगर आपने कंडीशन इफ एज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18, तो आपको क्या करना है, सी आउट कर देना है, यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप वोट करने के लिए एलिजिबल हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट, अब लास्ट में अपन को क्या करना रहता है, एक वो लगाना रहता है रिटर्न टाइप, जिससे अपना कोड जो है वो यहाँ से बंद हो जाए, रिटर्न 0, ठीक है, यहाँ से कोड जो है अपना ख़त्म हो जाएगा। इतनी चीज़ अपन क्लियर, क्या लिखा है कोड में एक बार अपने पेन से अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया, इंक्लूड आई स्ट्रीम को कॉल किया जिससे अपना इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम जो है वो कॉल हो जाए। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लगाया, देन फिर इंट मेन फंक्शन कॉल किया जहां से अपना कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या किया, एक वेरिएबल बनाया एज नाम का जिसमें वैल्यू असाइन की 18, ठीक है, 18 असाइन की, इसलिए अपन ने जो डाटा टाइप लिया है वो इंट लिया है, ठीक है। उसके बाद इफ कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन जो पढ़ रहे थे, इफ अगर अपनी एज जो है ग्रेटर देन है और इज इक्वल टू 18, तो आपको क्या प्रिंट करना है, यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तो अब इस चीज़ को अपन जो है प्रिंट करा के देख लेते हैं कि ये चीज़ प्रिंट हो रही है ना। उसके बाद इस वैल्यू को चेंज करके भी देखेंगे, अगर अपन लोग 16 कर देते हैं तो क्या आता है, ठीक है। सिंपली आपको ऊपर रन के बटन क्लिक करना है और रन कोड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इधर आया, अपनी एज जो है 18 थी, तो यहाँ पे आए यू आर एलिजिबल टू वोट। अब थोड़ा सा इसमें छेड़खानी कर लें, छेड़खानी करते हैं और इसकी एज कर देते हैं अपन मान लो 15, ठीक है। तो क्या आता है उसको अब कोड कर रन करके देखते हैं। देखिए जब हमने एज 15 वाली, तो यहाँ पे कुछ नहीं आया है, ठीक है। जैसे पहले वाले में आया था कि यू आर एलिजिबल टू वोट, इस बार आया है कि कुछ भी नहीं लिखा आया है, है ना। तो ये चीज़ अपन को क्लियर हुई। अगर मैं यहीं पे एज मान लो यहाँ पे कर देता हूँ 25, ठीक है, 25 तो ग्रेटर और ये ग्रेटर है उससे, तो अब क्या लिखा आता है, अब देखिए अब लिखा आया यू आर एलिजिबल टू वोट। इतनी क्लियर हुई, ठीक है। तो आई होप सो अपन को ये एग्जाम्पल से इफ स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी क्या ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे, अब इफ स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट जो कहने वाली थी वो यही कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है, चेक अ कंडीशन एंड एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ अ कंडीशन इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है। ये चीज़ अपन क्लियर हुई, तो मैं इस चीज़ को रब कर देता हूँ। अब बढ़ते हैं अपन एल्स स्टेटमेंट की तरफ, उसको अच्छे से थोड़ा समझते हैं, आगे बढ़ा जाए और देखा जाए आखिर एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट की तो थोड़ी डेफिनेशन पढ़ें, अल्टरनेटिव पार्ट, ठीक है। अगर अपनी इफ कंडीशन कॉल नहीं हुई तो अल्टरनेटिव पार्ट होता है अपना एल्स, ठीक है। उसको वो कैसे वर्क करता है वो अब कोड करके देखेंगे अपन लोग। द एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव ब्लॉक, एक अल्टरनेटिव ब्लॉक जो है वो प्रोवाइड करता है दैट रन इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन ट्रू में तो अपना वो हो गया था, अब एल्स कंडीशन का यूज करती है अगर ट्रू कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती। जैसे मैंने 15 डाला और कुछ भी लिखा नहीं आया, तो 15 की जगह 15 अगर मैं डालूंगा तब क्या लिखा आना चाहिए, वो अपना एल्स स्टेटमेंट काम करता है। जैसे इसके बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, इफ कंडीशन लगाएंगे जो अपनी कंडीशन है उसको लिखेंगे, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू रहते, इफ कंडीशन इज ट्रू तो इफ वाली चीज प्रिंट होगी, अगर ये
नहीं होता है तो क्या होगा, एल्स वाली चीज़ प्रिंट होगी इफ कंडीशन इज फॉल्स। इतनी क्लियर हुई, ये अपना एग्जांपल बेसिक एग्जांपल हो गया। इंट एज इज इक्वल्स टू 16, ठीक है, अगर अपनी एज 16 है तो अपनी अगर एज का इफ कंडीशन अपन डाला कि एज जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू है 18 के, तब आप यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर ये नहीं है, अगर इसकी जगह कुछ और वैल्यू आ गई 25 या मतलब ग्रेटर देन नहीं डाला, स्मॉल देन डाल दिया, फॉल्स हो गई अपनी कंडीशन, तो क्या प्रिंट आया, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब इस चीज़ को कोट करके देखेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, एल्स ब्लॉक रन व्हेन इफ कंडीशन इज फॉल्स, अपनी इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो क्या है, अपनी एल्स कंडीशन जो है वो चलती है। ओनली वन एल्स इफ इच इफ स्टेटमेंट कैन हैव ओनली एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, इतनी क्लियर हुई। अब इस पार्ट को थोड़ा सा अपन कोड करके देखेंगे तब चीज़ें बहुत सी क्लियर हो रही होगी। मैं इस चीज़ को रब कर देता हूँ और बढ़ते हैं अपन कोडिंग पार्ट की तरफ। चलिए अब बढ़ते हैं अपने कोडिंग पार्ट की तरफ जिसमें अपन इस चीज़ को जो है कोड करके देख रहे होंगे, है ना। तो मैं पूरी चीज़ रफ कर दूँ पहले इस चीज़ को मिटा लूँ, ठीक है। तो रफ करने से मेरे कुछ वो नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब नहीं लग रहा क्योंकि वही चीज़ है, ठीक है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इफ़ कंडीशन इज़ यहाँ पर मैंने डाल दी मान लो 15, ठीक है, चलो शुरू से ही कर देते हैं यार, आपको भी बढ़िया लगेगा, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग जल्दी जल्दी कर देता हूँ, इंक्लूड स्लैश आयो स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, ये करते कोड जब आप करते, मैं कोड कई के लिए आपको बार बार करने बोला क्योंकि जब आप ये चीज़ बार बार लिखेंगे ना तो आपको क्या है, ये जो बेसिक हेडर फाइल रहती है ये इंक्लूड करना आ जाएगी, ये जो बेसिक सा बॉयलर प्लेट कोड रहता है ये अपन को लिखना आ जाएगा, है ना। तो अब मैं चीज़ें लिखना स्टार्ट करता हूँ, इंट एज मान लो इस बार अपन ने ले लिया 16, ठीक है, देन फिर सेकेंड उस पर आए इंट नहीं इफ कंडीशन अपन ने लगाए इफ अपने एंगल ब्रेसिस, देन फिर एज अगर इसमें ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18 है, देन फिर इसके बाद अपन लगा देंगे कर्ली ब्रेसिस। तो आपको क्या करना है, सी आउट करना है यू आर एलिजिबल टू वोट, इतनी क्लियर हुई, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है, ये चीज़ अगर नहीं होती है देन फिर अपन क्या करेंगे, चलो इसको थोड़ा बैकआउट कर दिया, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो अपन else कंडीशन इसके बाद लगाएंगे, else इसके बाद भी अपने कर्ली ब्रेसिस, कर्ली ब्रेसिस में अपन क्या लिखेंगे, सी आउट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है, देन फिर ये उसके बाद लास्ट में आके इसके बाद जो है अपन लगा देंगे रिटर्न स्टेटमेंट, जिससे कोड जो है वो रन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो उसको मैं कम करने के लिए आपके लिए क्या करूँगा, एक बार पेन से अपन समझ लेते हैं इस सारी चीज़ को। सबसे पहले इंक्लूड स्ट्रीम कई के लिए अपन ने लिखा है वो चीज़ समझ में आ गई, हेडर फाइल, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, बार बार अपन को सी आउट की जगह बार बार स्टैंडर्ड नहीं लगाना पड़े इसलिए, उसके बाद इंट मेन जहाँ से फंक्शन है जो अपना कॉल होना स्टार्ट होता है, उसके बाद आया इंट एज और 16, ये तो पता ही होगा, अपन ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें अपन वैल्यू असाइन किए 16 और ये एक नंबर है तो अपन ने क्या कर दिया, इसको इंट वाले टाइप में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे इफ कंडीशन लगाइए, इफ अगर एज जो है अपनी 18 के बराबर होगी, 18 से बड़ी होगी, 18 के बराबर होगी तो क्या आपको प्रिंट करना है, यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर ये नहीं होता, अपनी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, ठीक है, अगर एज जो है अपनी 18 से ऊपर या 18 से आगे और 18 के बराबर नहीं होती है तो आपको क्या, एल्स वाली कंडीशन लगानी है, एल्स वाली में क्या होगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, उसका जो अल्टरनेटिव पार्ट है। इतनी चीज़ बस क्लियर हुई, ठीक है। तो इस चीज़ को रब कर देते और एक बार प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। चलिए, कोडिंग एक खेलने वाली चीज़ है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अपने अपनी तरफ से दिमाग लगाएंगे खेलेंगे ना आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। जैसे ये स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे, जैसे मैंने कोड को रन किया तो क्या आ रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक किया है मैंने कोड में, ये छोटे मोटे एरर आते रहते हैं, इसमें बस एक ये लगा दिया था इस वजह से, ठीक है। अब मेरे को नहीं लगता कि कोई एरर आना चाहिए, हाँ नहीं आ रहा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, क्योंकि अपन ने जो एज है वो क्या डाली है, 16। अगर मान लो मैं यहीं पे एज की जगह यहाँ पे डाल देता हूँ 35 ईयर, या फिर मैं 60 साल का बुढ़ा बना देता हूँ, ठीक है, तो क्या प्रिंट आता है, इसमें क्या आया था, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अगर मैं वापस से रन करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आता है यू आर एलिजिबल टू वोट।
अपन को क्लियर हो गया कि यार आखिर एफ इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन किस लिए लगाई जाती है, कहाँ इसका यूज होता है, जब अपन कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तब इसका यूज होता है। ठीक है, अब एक एल्स इफ कंडीशन भी आती है अगर अपन मल्टीपल चॉइसेस कर रहे होते हैं, मल्टीपल डिसीजंस ले रहे होते हैं तब उसका यूज होता है, उसको भी एक बार देख लेते हैं, लास्ट कंडीशन है, फिर इस लेक्चर को ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलते अपने स्लाइड्स की तरफ, आ गए। ठीक है, तो अब अपन को शायद एल्स कंडीशन बहुत क्लियर हो गई, एग्जाम में आता है सिंपल, अपन को दो लाइन की डेफिनेशन लिखनी है, बेसिक सिंटेक्स वहां पे बता देना है और एक एग्जांपल वहां पे दे देना है, यही वाला एग्जांपल देंगे, बहुत प्यारा एग्जांपल है, उसके बाद की पॉइंट डाल देना थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आपका ये जो आंसर है वो थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। वैसे बहुत कम चांसेस है पर फिर भी आ गया तो अपन को प्रैक्टिकल भी सीख लिया और थ्योरी पार्ट से भी सीख लिया तो आगे आसानी होती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आखिर इफ एल्स मतलब एल्स इफ कंडीशन क्या होती है, एल्स इफ स्टेटमेंट्स क्या होती है, या मल्टीपल कंडीशन जब अपन यूज करनी रहती तब इसका यूज होता है। एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट अलाउ यू टू चेक मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन जब अपन को चेक करनी रहती है तब इसका यूज होता है। बेसिक इसका सिंटेक्स क्या हो सकता है भैया, तो बेसिक सिंटेक्स जो है इसका, इफ कंडीशन वन डाली पहले, अगर ये ट्रू नहीं होती है, अगर ये ट्रू नहीं होती सेकंड पार्ट की तरफ जंप होता है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन जो है वो यहाँ पे डालते हैं, अगर वो भी ट्रू नहीं होती है तो फिर ये थर्ड पार्ट के फिर जो बचा हुआ पार्ट रहता है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। कोट इफ नन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो बचा हुआ पार्ट जो है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल समझे, जैसे इंट मार्क जो है अपने 85 हैं, ठीक है, ये स्कूल वाला या कॉलेज वाला एग्जांपल है, तो अगर अपने मार्क्स जो है वो 85 है, अब ये क्या है, एक इंट अपना मार्क टाइप का एक वेरिएबल बनाया है जिसके जो नंबर डाला है, ठीक है, नंबर असाइन किया वो 85, अगर ये नंबर है तो अपन ने जो यहाँ पे डाट टाइप डाल दिया वो करा इंट टाइप का। ठीक है, उसके बाद इफ स्टेटमेंट लगाई, अगर अपने मार्क जो है वो ग्रेटर देन है और इज इक्वल टू है 90 के, तो आपको क्या कर देना है, ग्रेड ए जो है वहाँ पे प्रिंट कर देना है। अगर आपके मार्क्स, ठीक है, अगर आपके मार्क्स 80 से ऊपर और 80 के बराबर हैं तो आपको क्या, ग्रेड बी प्रिंट करना है। और उसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, तो अगर आपके मार्क्स और ज़्यादा गिरे हुए हैं तो आपको करना एल्स ग्रेड सी प्रिंट कर देना है। इतनी क्लियर हुई, आई होप सो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, बट इसको जब अपन लोग कोट करके देखेंगे और थोड़ा सा खेलेंगे वहाँ पे तब आपको ये चीज़ भी कन्फ्यूजन दूर हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को रब कर देता हूँ और चलते हैं अपने कोडिंग पार्ट की तरफ, फिर वापस आके इसको देखेंगे तो अपन को बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोडिंग पार्ट की तरफ, यहाँ पे अपन सबसे पहले तो सारी चीज़ों को हटा देते हैं, आपको भी मेरे साथ साथ हटाना है, और यहाँ पे अपन करते हैं इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ठीक है, देन फिर अपन सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, यहाँ पे अपन जो है प्रिंट कर रहे होंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, उसके बाद इंट मेन फंक्शन कॉल करेंगे जहाँ से अपना फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, देन फिर करली ब्रेसिस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे अपना कोड, इंट मार्क्स इज इक्वल्स टू कितने हो गए अपने मार्क्स 85। ठीक है, अपने 85 मार्क्स आए हैं, ठीक है, एग्जाम में तो अपने सबसे पहली कंडीशन क्या करी है, सबसे पहला हुआ है अपना वेरिएबल, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको मार्क्स असाइन किया 85, ठीक है, नंबर असाइन किया है, तो इसकी जो डाटा टाइप लिखेंगे वो इन टाइप का। ठीक है, उसके बाद आगे आए थोड़ा और यहाँ पर लिखा है अपने इफ कंडीशन, यहाँ पर लगाई, एक अपने एंगल ब्रेसिस लगाए और यहाँ पर लिख दिया यार मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, अगर अपने मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो आपको क्या करना है कि जो है ये वाली चीज़ प्रिंट कर देनी है जो अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, सी आउट ग्रेड ए। ठीक है, उसके बाद ये वाली चीज़ लगाने कॉमा लगा देना है, देन फिर अगर ये चीज़ नहीं होती है तो एल्सिफ लगाएंगे, एल्सिफ किस लिए यूज होता है, अल्टरनेटिव कंडीशन के लिए, एल्सिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, अगर 80 के ऊपर रहे तो आपको क्या करना है, यहां पे एक और बार अपन करली ब्रेसिस लगाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या प्रिंट कर देना है, सी आउट कर देना है ग्रेड बी, साथ साथ में आप कोड करते चलिएगा मेरे। ठीक है, देन फिर अगर ये दोनों कंडीशन भी वो नहीं होती है, ठीक है, फॉल्स हो जाती है ये दोनों कंडीशन, तो अब बचा हुआ जो रहेगा वो कर देना अपन को एल्स
एल्स मतलब अगर सारी चीज़ें बंद हो जाती है, अपने सारे रास्ते ख़त्म हो जाते हैं, तो जो चीज़ होती है वो एल्स प्रिंट होता है। ठीक है, तो एल्स में अपन क्या करेंगे, एक और अपना जो कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे सी आउट कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं लगाना कितने मार्क्स से, यहाँ पे सी आउट कर देंगे, क्योंकि इससे नीचे होगा तो अपने सी ग्रेड में डालेंगे, तो यहाँ पर प्रिंट कर देना है ग्रेड सी। ठीक, इतनी चीज़ अपन को क्लियर हो रही है। ठीक है, और इसके बाद वो चीज़ लगाना मत बोलना बिल्कुल, क्योंकि एरर आ रहा होगा रिटर्न जीरो। इससे क्या है, जो अपना कोड है यहाँ पे रन होना बंद हो जाता है, उसको पता रहता है। इंट मेन से देखो, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से इंट मेन से जो है चीज़ें कोड होना एग्जीक्यूट होता है, और जो ये रन स्टेटमेंट है ये क्या करता है कि भैया यहीं तक कोड रन होना है, इसके आगे नहीं होना। ठीक है, तो मतलब अपने जो सारी चीज़ें लिखी है वो यहाँ पे रोकने के लिए है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन क्लियर हुई, एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं, देन फिर इसको रन करके देखेंगे, और जो एरर भी आ रहा होगा तो उसको भी थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि मैं जानबूझ के कभी कभी मिस्टेक करता हूँ कि आपको, क्योंकि जब अपन रियल लाइफ में कोड कर रहे होंगे, आप लोग कोड कर रहे होंगे, तो आपको आएगा एरर, पर एरर किस तरह से देखना है और किस तरह से उसको सॉल्व करना है, वो अगर आप मेरे साथ सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। ठीक, तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, वही आयो स्ट्रीम को ऐड किया जिससे अपना इनपुट आउटपुट वर्क करने लगे, देन फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन फंक्शन जहां से अपना कोड होना स्टार्ट होता है, देन फिर एक अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स नाम का, जिसमें वैल्यू असाइन की 85। अब ये 85 है तो अपन ने जो डाटा टाइप डिक्लेयर किया वो क्या है, इंट। ठीक है, फिर इस इफ स्टेटमेंट लिखी मार्क, अगर अपने मार्क्स जो है वो 90 के ऊपर है और इसके बराबर है तो अपन को क्या ग्रेड ए जो है आप प्रिंट कर दीजिए कंप्यूटर महाशय अगर। ठीक है, एल्स इफ कब यूज होता है, ठीक है, एल्स इफ अपन मल्टीपल टाइम लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे एल्स इफ की जगह मार्क्स 80 भी है, ठीक है, उसके नीचे भी अपन आगे कोड करके देखेंगे तब आपको बताऊंगा। ठीक है, एल्स इफ मार्क्स इज इक्वल्स टू अगर अपने 80 के ऊपर हैं, 80 के बराबर हैं, तो आपको ग्रेड बी प्रिंट कर देना है। अगर एल्स, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसके बाद एक और एल्स इफ लगा सकते थे बट अभी एक और बार खेलेंगे। ठीक है, तो एल्स अगर ये दोनों कंडीशन कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो भगवान के रास्ते अगर आपने छोड़ दिया तो फिर वो प्रिंट करवा देगा ग्रेट सी। इतनी क्लियर हुई। ठीक है, तो अब इस चीज़ को कोड करके देखते हैं और थोड़ा खेलेंगे भी अब इस चीज़ के साथ, थोड़ा देर मेरे साथ बने रहना। ठीक है, आप भी साथ साथ में खेलना। चलिए, अब इस चीज़ को प्रिंट करा रहे होते हैं, भगवान की कृपा से प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो अगर अपनी कंडीशन 85 है, ठीक है, 85 के ऊपर है और 85 के बराबर है, तो क्या प्रिंट कर दिया इसने ग्रेड बी, क्योंकि ए कंडीशन में अपन ने क्या बोला था कि अगर ए प्रिंट होना है तो आपको क्या 90 से ऊपर मार्क्स आपके होना चाहिए या 90 के बराबर होने चाहिए, तो आप ग्रेड ए प्रिंट हो जाता। अगर मान लो, ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी जगह लिख देता हूँ कि 92, तब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। अब भैया ग्रेड ए प्रिंट हो गया, ठीक है, ग्रेड ए प्रिंट हो गया यहाँ पे, है ना। अगर मैं इसकी जगह मान लो लिख देता हूँ 80 कंडीशन डाली 78, तब क्या प्रिंट होता है भैया, अब भैया प्रिंट हो गया ग्रेड सी। ठीक है, ये चीज़ अपन को थोड़ी चीज़ कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने रियल लाइफ से, है ना, और इसी तरह से जो है प्रोग्रामिंग वर्क करती है, आगे चल के इसी तरह जो है अपन आगे सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, है ना। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें कंडीशन में करता हूँ, ठीक है, एक और कंडीशन इसमें जोड़ देता हूँ, एक और कंडीशन जोड़ देता हूँ। ठीक है, चलिए क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, ठीक है, चलिए इस चीज़ को हटाएं और उसके बाद एक और else if कंडीशन जोड़ें अपन लोग। ठीक है, जिसमें अगर अपने मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू हो किसके 70 के, ओके, तो फिर क्या करना है आपको, एक कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे तो आपको सी आउट करवा देना है। सी आउट आप करवा दीजिए अपना ग्रेड सी, ओके, ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद लास्ट में जो है अपन कंडीशन डाल देंगे एल्स, अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होती है तो आपको क्या करना है, ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ लगाएंगे और सी आउट करवा देना है ग्रेड डी। ठीक है, तो अब ये वाला जो कोड लिखा है अपन ने एक्स्ट्रा ऐड किया है, क्योंकि अपन लोग देख रहे थे कि यार, तो अपन ने ग्रेड डी जो है इसमें जोड़ दिया। अब इसमें क्या चीज़ होती है वो चीज़ थोड़ा देख लेता हूँ आउटपुट में। अगर अपन ने यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ, आउटपुट नीचे कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ठीक है,
ऊपर वाली चीज तो ठीक है, ये वाली चीज से देखेंगे आप कि यहाँ पे मैंने जो है मार्क्स करे हैं 78, ठीक है 78, 90 तो 90 से तो ज्यादा और 90 से कम है तो ग्रेड है तो पेंट होने से रहा। उसके बाद एल्स इफ अगर अपने मार्क्स जो है 80 से ऊपर रहे और 80 के बराबर रहे तो आपको ग्रेड बी प्रिंट करा, पर अपने पास 78 है ठीक है 80 से दो कम है तो क्या होगा, थर्ड वाली स्टेटमेंट प्रयोग, क्योंकि अपने इसमें थर्ड वाली में क्या लिखा है, अपने जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए 70 के, तो उसने क्या कर दिया ग्रेड सी जो है वो प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। इतनी इस क्लियर हुई। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मान लो थोड़ी छिड़खानी और कर दूँ कि अपने मार्क्स जो हैं वो 70 के भी नीचे हैं, 70 के नीचे मतलब जो मेरे जैसा बच्चा मान लो ठीक है, तो मेरे जैसा बच्चा लाता है 55 मार्क्स ठीक है, तो 55 मार्क्स लाता है तो आप देखते हैं क्या आता है। 55 मार्क्स क्या है, ना अपने 90 से ऊपर और बराबर है, ना 80 से ऊपर और बराबर, ना 70 से ऊपर और बराबर है, तो ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी तो होने से प्रिंटर होने से रहा। उसके बाद क्या बचा, अगर आपके मार्क्स इससे भी कम है, इन तीनों से भी कम है, तो आपको सब प्रिंट करवा देना है ग्रेड डी, आपको ग्रेड डी मिला है। चीज़ क्लियर हुई। अगर मान लो मेरे मार्क्स कभी मेरे को अगर ऐसा पढ़ने का मन हो जाता और मेरे मार्क्स आ गए 99 ठीक है 99 मार्क्स आ गए, तो अब क्या आएगा प्रिंट, तो अपना आ गया ग्रेड ए, आपने ग्रेड ए लाया लिया है। आई होप सो अपन को ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। इस चीज़ को मैं बोलूँगा यार कोट करके देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है यार कि मैं यहाँ पे करे जा रहा हूँ, बट आप जब इस चीज़ को कोट करके देखेंगे और कोडिंग से अगर मतलब अपने प्रैक्टिकल से जब थ्योरी समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बहुत सारे बच्चे इसमें होंगे, बहुत बड़े बड़े गोल्स होंगे। एक बच्चा होगा यार एंटरप्रेन्योरशिप की या बिजनेस की ढेर सारी किताबें पढ़ ली और जाके बिजनेस करने बैठा है ठीक है, प्रैक्टिकली बिजनेस करने बैठा है, क्या वो कुछ कर पाएगा? ऑब्वियसली बात है नहीं, क्योंकि बस थ्योरी थ्योरी पढ़ी है। जब अपन लोग रियल लाइफ में जब मार्केट में उतरते हैं, धक्के खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तब अपन को चीज़ें अच्छी मार्केट के हिसाब से चीज़ें पसंद आती है। बट मान लो कि एक बंदा है जो प्रैक्टिकली जो है बिजनेस कर रहा है ठीक है, प्रैक्टिकली सीख रहा है, धीरे धीरे से ग्रो किया है, जीरो से अपने मान लो 1,000 करोड़ की कंपनी बनाई है। अब अगर वो बुक लिखेगा बिजनेस के बारे में, या फिर अब वो थ्योरी पढ़ेगा तो उस चीज़ को अडॉप्ट करते हुए पढ़ेगा, या अपनी ही बुक लिख सकता है कि यार मैंने इतनी बड़ी बिजनेस पढ़ा है ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इतने सारे प्रैक्टिकल की अपने आप से खेला, प्रैक्टिकली अपन को समझ में आ गया यार इफ स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है, तो अपन एग्जाम में आराम से डिफाइन कर सकते हैं यार। अगर नहीं भी आ रहा अपनी ऑन लैंग्वेज में डिफाइन कर दो ठीक है, तो ये चीजें रहती है। बेसिक सिंटैक्स भी अपन क्लियर हो, कोड भी अपन समझ में, इतनी से अपन क्लियर हुई ठीक है। अब वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे और एक बार इसको भी अपने स्लाइड से अच्छे समझ लेते हैं ठीक है। अब आपके आके यहाँ पे डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन क्या करिए, इफ एल्स इफ कंडीशन कहाँ पे यूज होती है, जब मल्टीपल अपनी कंडीशन चेक होनी रहती है। अपन क्लियर हुआ कि वो चेक कैसी कंडीशन होनी रहती है, जैसे ग्रेड वाला स्कूल वाला एग्जाम्पल से ठीक है। तो आई होप सो अपन भी ये चीजें क्लियर हो गई होगी ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इन तीनों चीजों को कंबाइन करके देख लेते हैं। कंबाइन इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ कंडीशन को कंबाइन कर दिया इसमें, और ये वाला कोड होमवर्क है ठीक है, मैं इसको कोड करके नहीं दिखाऊंगा। बहुत सारे अपन ने कोड कर लिया और भाई ये मेरे को लास्ट में आपको होमवर्क देने में मजा आता है ना। तो आपको इस वाला जो एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, इस सेम एग्जाम्पल को कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको कोड लिखना नहीं भी आ रहा ठीक है। स्टार्टिंग में वैसे मैंने सिखा दिया, हेडर फाइल बार बार मैं इंक्लूड इसी वजह से करा रहा था। अगर आपको लगता है सिंपल, आपको क्या करना है, इस कोड को कॉपी और पेस्ट कर दें। ऊपर वाले सेक्शन तो लिख लेंगे आप, बार बार अपन ने करवा चुका है ठीक है। उसके बाद बीच में आपको ये वाले सेक्शन को लिख लेना है। एक अपन को वेरिएबल बनाना है टेम्परेचर नाम का, वहाँ पर वैल्यू असाइन करनी है, और ये नंबर है तो इसको इंटर नाम का दे देना है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा करके देख सकते हैं और मुझे होमवर्क में बताएंगे आप, होमवर्क है आपका, और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपने इसको यूज़ करके देखा है नहीं। अपना नाम लिखेंगे, अपनी सिटी लिखेंगे, अपना कॉलेज लिखेंगे, और आपका जो है आप बताएंगे कि यार मैंने जो है भैया इस चीज़ को कोड करके भी देखा था ठीक है। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो देख लो थोड़ा सा, जिससे थोड़ी इस चीज़ क्लियर। इफ द टेम्परेचर इज मोर देन 30, अगर अपना टेम्परेचर जो है वो 30 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लिखा आ जाएगा, प्रिंट आ जाएगा इट्स हॉट। अगर अपना जो टेम्परेचर है वो 21 से 30 के बीच में होगा, 21 से 30 के बीच में होगा मतलब 20 से ऊपर होगा, तो आ जाएगा इट्स वार्म। बट अपना ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये दोनों चीज़ नहीं रहती, अगर उससे भी कम रहता है तो आ जाएगा इट्स कोल्ड। 20 से नीचे है तो अपना जो टेम्परेचर आ जाएगा इट्स कोल्ड। की पॉइंट क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट अलाउ द प्रोग्राम टू टेक डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन देयर चेंजिंग वैल्यू, अपने वैल्यू चेंज करते रहेंगे और ये अपने हिसाब से जो है कंडीशन बदलते रहेगा। आई होप सो अपन को जो है इफ एल्स कंडीशन समझ में आ गया होगा ठीक है। तो आपको इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना है एग्जाम में। मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूँ सारी चीज़ों को ठीक है। सबसे पहले अपन आए पीछे, ये सब आपको नोट्स अगर नहीं बनाएंगे नोट्स बना लीजिए आप ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल स्टेटमेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूछ लिया जाता है कि इफ स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट को समझाइए, कंट्रोल स्टेटमेंट की थोड़ी डेफिनेशन बताइए, तो आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। मैं ऐसा मानूंगा आपको समझ में आ गया है ठीक है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इफ स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैंने स्लाइड बना दी थी और प्रैक्टिकली जब देखा तो क्लियर हो गया, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देन फिर एल्स स्टेटमेंट और उसके बाद अपना एल्स इफ स्टेटमेंट और फिर इन तीनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। आई होप सो चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ओपन का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगता है थोड़ी मेरी भी हेल्प कर देना, मज़ा आता है लेक्चर को तो शेयर कर दिया करो यार, मैं भी ज़्यादा लोगों तक थोड़ा फेमस हो जाऊँगा, बच्चों के पास पहुँचूँगा, ठीक है। और अच्छा लगता है तो लाइक भी कर देना, बाकी सब्सक्राइब का नहीं बोलूँगा, आपने करके रखा होगा, हमारी फैमिली का पार्टी होंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा अपने थर्ड सेम में और भी सब्जेक्ट है, जैसे हो गया अपना डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डिजिटल सिस्टम और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इसका प्राइस जो है 799 रुपीज़ है तीनों का, है ना। और जो अपना डाटा स्ट्रक्चर है वो आपके प्यारे सचिन सर ने आपको कराया है, और जो अपना डिजिटल सिस्टम है और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है वो आपको इरफान सर ने करवाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यार प्रोफेसर कॉलेज में समझा रहे हैं और अपन को समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल आप बैच लेके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्राइस वही 799 है। और ये अगर नंबर, अगर आपको थोड़ी सी भी कोर्स लेने दिक्कत आती है तो आप इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको थोड़ी सी स्टेप बता देता हूँ, जिसको लेना है वो थोड़ा रुके रहना, बाकी तो चले जाओ, ठीक है, जिसको कोई मतलब नहीं है। आगे कोडिंग के भी बारे में थोड़ा बताऊंगा तो रुक जाना यार, ठीक है। तो क्या है कि अगर आपको कोर्स लेना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या फिर आप जो है प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। वहाँ पर जैसे ही आप सर्च कर रहे होंगे तो आपको एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप मिलेगी, उसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से वहां पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप क्या करेंगे कि जब रजिस्टर हो जाएगा सामने इंटरफेस आएगा, वहां पे आपकी सारी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, आरजीपी भी हो गया, एकेटी हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी। तो अपन आरजीपी भी सर्च करेंगे और वहां पे अपना डाटा स्ट्रक्चर, अपना डिजिटल सिस्टम और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का कोर्स वहां पे मिल जाएगा, तो आप लेके अपनी जर्नी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वही है यार कि कॉलेज में अपन बार बार अगर कॉलेज जाना भी अपन को रोकना है कि यार कॉलेज जाके पूरा लेक्चर से पढ़ेंगे, टीचर से पढ़ेंगे, इससे अच्छा अपन 800 रुपये का कोर्स लें, घर बैठे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, जब मन किया तब पढ़ना स्टार्ट किया, एग्जाम के दिन पढ़ना है, कभी टाइम मिल रहा है 10 लेक्चर एक साथ कर लिए, कभी नहीं मिल रहा है बकचोदी करनी है, थोड़ा सा घूमना फिरना है, तब आराम से जो है नॉर्मल लेक्चर 2-3 लेक्चर ले लिए। तो इस हिसाब से अपन अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको जैसा लगता है आप देख सकते हैं, है ना। बाकी इसके बाद अपन कर लेते हैं थोड़ी अपने कोडिंग चैनल की प्रमोशन, पढ़ाई, और वो प्रमोशन नहीं होगा क्योंकि ये सारी जो क्लासेस हैं वो एकदम फ्री है आपके लिए, ठीक है। चाहे वो पाइथन हो, अपना जावा हो, और चाहे वो C++ हो, सारी क्लासेस आपके लिए यूट्यूब चैनल पे फ्री होने वाली। तो एजुकेशन पॉइंट कोडिंग, ये प्यारा सा हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, या फिर आप सर्च भी करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। वहां पे हमारा जो कोडिंग है वो स्टार्ट करा है, जिसमें सचिन सर जो है आपके वो C++ प्रोग्रामिंग आपको पढ़ा रहे हैं, और चैतन्य सर आपको जावा प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाले हैं, और C++ प्रोग्रामिंग ये DSA भी आगे आएगा, ठीक है, DSA भी इसके बाद आगे कराएंगे, जावा का भी DSA भी आगे कराएंगे, बट अभी जो ध्यान दिया जा रहा है वो बेसिकली C++ प्रोग्रामिंग पे दिया जा रहा है। C++ जो एक्जैक्ट कोर्स है वो पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसके बाद जावा भी आपका कोर अच्छे से पढ़ाई जाएगी, देन फिर अपन DSA भी आगे बनाएंगे। उसके बाद जो है पाइथन प्रोग्रामिंग, छोटी सी पाइथन, ठीक है, ये अभी मैं कराऊंगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट डीप लर्निंग हो गया, मशीन लर्निंग, बहुत आगे लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो अभी पाइथन प्रोग्रामिंग में सब कराऊंगा, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, गेम भी बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो लगते हैं वेदर वाले वो भी बना लेंगे, है ना, जिससे आपका जो ये कोर पाइथन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अपन एग्जाम में आए, कोई पूछे यार जावा आती है C++ 3rd सेम में, तो बोल देना हाँ भैया पाइथन आती है, अभी आपको प्रोजेक्ट दिखाते हैं अपने, ठीक है, प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा, साथ साथ प्रोजेक्ट बनाते रखना और उसको सेव करके रखना कि अपना रिज्यूम में भी वर्क करे, ठीक है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट का भी थोड़ा कंफर्म नहीं है, बट इसको भी जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे, बट अभी तो आप ये जो 3 लैंग्वेज है इनको पढ़ना स्टार्ट करिए, इसको भी अपन जल्दी जल्दी करवाएंगे, ठीक है, जिससे आपका, और ये वेब डेवलपमेंट अगर आप थर्ड ईयर में भी सीखते हैं कोई रोल नहीं है, ठीक है, या 4th सेम में आपके लिए कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाला 4th सेम उसमें आपको तो ये कंप्लीट करा देंगे, बट अभी जो है 3rd सेम में आपको ये तीनों चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए अपन रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ लाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, C++ में भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज मैंने थोड़ी ज़्यादा बात कर ली आपसे, कोई दिक्कत नहीं यार, है ना, इसमें भी अपना मज़ा आता है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके रिव्यूज़ की वजह से, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप
के जितने भी कमेंट है उसका रिप्लाई दे पाऊँ, अगर नहीं दे पाता उसके लिए थोड़ा माफ़ करना मुझे, है ना। तो रिव्यू से क्या होता है कि मैं जो अभी फरवरी से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी टीचिंग की, तो आपके रिव्यूज़ की बदौलत ही मैं अपने आप को चेंज कर पाया, अपने आप को टीचिंग स्टाइल को चेंज कर पाया, अपने पढ़ाने के तरीके को, और नई नई चीज़ें क्या आपके लिए ला सकता हूँ वो आपके रिव्यूज़ की वजह से। आप बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया कोडिंग चैनल ओपन कर दे, क्योंकि बाहर से जो अपन पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, तो वो क्या कर रहे हैं, कोई फॉरेनर्स पढ़ा देते हैं और कोई फाकी मार लेते हैं, ठीक है। बेसिक से हमारी प्रॉब्लम समझ के, जो इरफान भैया ने भी करा है M1 में M2 में, आपको बेसिक से लेके गए बिल्कुल, ठीक है, 2+2 भी नहीं आता वो भी सिखाएं। तो हमने भी वही सोच के इसका यूट्यूब चैनल के ट्राई किया, यार कोडिंग चैनल अपन इस तरह से बनाए कि यार बेसिक बच्चा भी अगर हिंदी मीडियम से भी आया हो ना वो, तो उसको भी अपन कोडिंग बहुत अच्छे लेवल से सिखा दें, ठीक है। तो यही हमारा मोटिव है, तो अगर आपको लगता है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो कहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।